पीएम नरेंद्र मोदी 5 दिन के भीतर आज दूसरी बार बिहार आ रहे हैं। बुधवार दोपहर पीएम विशेष विमान से पहले अब के कुशीनगर एयरपोर्ट पर उतरेंगे। यहां से सेना के हेलीकॉप्टर से दोपहर 2 बजे कार्यक्रम स्थल यानी बेतिया एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां से प्रधानमंत्री मोदी यूपी और बिहार के लिए लगभग 4,000 करोड़ की सड़क, गैस और इससे जुड़ी योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद वो बेतिया में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को परिवारवाद पर जवाब दे सकते हैं। इससे पहले 2 मार्च को पीएम मोदी ने बिहार के औरंगाबाद और बेगूसराय में लगभग 2,00,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया था। 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में आयोजित जनवरी विश्वास रैली के दौरान लालू प्रसाद यादव ने नरेंद्र मोदी के परिवार और हिंदू होने पर सवाल उठाया था। इसके बाद बीजेपी और एनडीए के सभी नेता सोशल मीडिया पर खुद को मोदी का परिवार बता रहे हैं। अब 3 दिन बाद खुद प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं। ऐसे में इस बात की संभावना जताई जा रही है कि पीएम मोदी यहां से लालू प्रसाद को जवाब दे सकते हैं। बेतिया का हवाई अड्डा पूरे तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए तैयार है और यह अपने आप एक ऐतिहासिक समय है जब बेतिया को बेतिया पटना एक्सप्रेसवे की सौगात मिल रही है, शहर के नागरिकों के लिए सिटी गैस की सौगात मिल रही है, किसानों के लिए एथेनॉल से मक्का बनाने की सौगात मिल रही है। हर क्षेत्र के हर वर्ग के लोगों को कुछ ना कुछ सौगात मिल रही है, तो यह अपने आप में बताता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी सभी को अपना परिवार मानते हैं और हर तबके का ख्याल रखते हैं। पूरा चंपारण तैयार है और यहाँ पर 2,00,000 से ज्यादा की ऐतिहासिक भीड़ होने जा रही है और इसके साथ ही जो जितनी परियोजनाएं हैं उन परियोजनाओं का शुभारंभ और उद्घाटन होगा। मोदी जी का यह सिद्धांत है कि जितना टेंडर करते हैं उतने की ही बात करते हैं। इसके अलावा अभी 7,000 करोड़ रुपए का टेंडर्स होने बाकी है जिसको सभी तरह से अप्रूवल मिल चुका है। करीब 20,000 करोड़ की योजना, लगभग 20,000 करोड़ की योजनाएं हैं, जैसे इसमें शामिल केवल 5,700 करोड़ है बेतिया पटना एक्सप्रेसवे का। ये बेतिया पटना एक्सप्रेसवे पूरे तौर पर 11,300 करोड़ की अकेली योजना। वैसे ही तमकुही जहां जो पुल है और उसके साथ वो जो हाईवे है वह 3,900 करोड़ की योजना है, अभी उसका केवल जमीन अधिग्रहण शुरू हुआ है। तो इन योजनाओं का उद्घाटन मोदी जी का एक सिद्धांत है कि जब तक टेंडर नहीं हो जाता तब तक वह शिलान्यास। कुछ बड़े कला